मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कश्मीर में पदस्थ मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी शंकर प्रसाद पटेल की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। शंकर प्रसाद पटेल भिलाई की थर्ड रिजर्व बटालियन में एसआई के पद पर कार्यरत थे। गत 10 अप्रैल को उन्हें ड्यूटी पर कश्मीर भेजा गया था। एक आतंकी हमले में 22 अप्रैल को वे शहीद हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहीद श्री पटेल को श्रद्धांजलि देते कहा कि उनके शौर्य को प्रणाम कर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहीद के परिवार के साथ शासन संकट की घड़ी में साथ है। शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, परिवार से चर्चा कर 1 सदस्य को शासकीय सेवा में लेने और ग्राम में शहीद की प्रतिमा लगाने का कार्य किया जाएगा। किसी एक संस्था का नाम भी शहीद के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राम खिलावन पटेल ने उनकी ओर से शहीद एसआई के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज उनकी शहादत से पूरा सतना जिला और पूरा देश गौरवान्वित है। ये सचमुच बहुत बड़ी घटना हुई है और उसमें जो आतंकवादी मुठभेड़ में और वो शहीद हुए, ये अपूर्णीय क्षति भी है। लेकिन मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके उनका अभिनंदन कर रहा है और उनके अमरगाथा की कहानी बता रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं कल से लगातार देख रहा हूँ, जब सतना की सीमा पर झुकेही से आए हो तो लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया और गगनभेदी नारे लगाते हुए उनका जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया उस पार्थिव शरीर का, ये सतना के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से मैहर के लिए तो बहुत ही पहली ये शहादत हुई है मैहर में अभी तक के जानकारों के बताने के मुताबिक। और शंकर प्रसाद पटेल जी ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ये बात सही है। उनके परिवार के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने कहा है कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके परिवार शोकाकुल परिवार के साथ समूचा पूरा परिवार आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो घोषणाएं भी मुख्यमंत्री जी ने किया है, माननीय मंत्री जी ने आपके सामने बताया। धन्यवाद। सीएम साहब ने आपको निर्देशित किया है, क्या कहना चाहते हैं पूरी शहादत पर? निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एएसआई शंकर प्रसाद पटेल जी शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित से इस समय में उनके परिवार में कठिन दुख का समय आया है, पर ऐसे शंकर प्रसाद पटेल जैसे वीर बहादुर जो शहादत होते हैं उनके कारण आज देश सुरक्षित है, देश के लोग सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित है और आज उनके शहादत से देश को, प्रदेश को और ज़िले को निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश के की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमको भेजा है कि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के 1 सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम होगा। लोकल स्तर पर हर शहीदों के नाम, वहाँ के कॉलेज, स्कूल, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाने का काम होता है, इनके नाम से ही बनाया जाएगा।